अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं आलू बड़े। तो इस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करके रखेंगे। बेसन में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर को हम ना ज्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ज्यादा पतला रखेंगे। तो बेसन को अच्छी तरह हमने घोल लिया है, ये देखिए, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो ये बैटर बनकर तैयार है, इसे रखेंगे हम एक तरफ और फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये हरी मिर्च डालेंगे, सॉरी पुदीना, और ये हरा धनिया, प्याज, कसूरी मेथी, इसमें हम डालेंगे थोड़े से पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हमने यहाँ हरी मिर्च भी ली है और ये लाल मिर्च भी ली है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक लेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल देंगे। अगर यहाँ भुना कुटा धनिया ना हो तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो ये फिलिंग भी तैयार है और ये बैटर भी तैयार है। तो इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह के बॉल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए, तो हम करते हैं इसे फ्राई। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है और ये बॉल्स को हम बेसन में इस तरह डिप करेंगे और इसे डालेंगे ऑयल में और इन्हें पलट कर भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू बड़े जब चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखिए चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे बड़ों को फ्राई कर लेंगे। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे के बने हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तकलीफ नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।